नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। रविवार शाम को मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कई मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी समेत कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। मोदी 3.0 में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। इसके साथ ही पुराने चेहरों को भी नई कैबिनेट में जगह दी गई है। कई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमान भी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अमित शाह के बाद नितिन गडकरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल होने वाले अधिकांश सांसदों को पहले ही फोन आने शुरू हो गए थे। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद की सूची में एक दर्जन से अधिक भाजपा सांसदों के नाम है। इसमें सहयोगी दलों के सांसदों के नाम भी हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।